अमीर बनना है ना, पैसा कमाना है ना, और संगत हो चिल्लड़ के, चोरों के, लफंगों के, कहाँ से अमीर बनोगे भाई? नहीं नहीं बन सकते ना, नहीं बन सकते। स्टॉक मार्केट जो आप वीडियो और लग्जरी देख करके आए हो, अमीरी वॉरेन बफे और झुंझुनवाला को देख करके आए हो, किसी ने आपको ये तो बताया नहीं कि जब गिरता है तो आदमी को बर्दाश्त नहीं होता, जब उठता है तो आदमी बड़ा खुश होता है। जब आप जिम जाते हो ना, और जिम में एक्सरसाइज कराने के बाद ट्रेनर आपको कहता है कि 2 दिन तक ये दर्द तुम्हारा रहेगा, घबराना मत, तो आप टेंशन फ्री रहते हो। 2 दिन दर्द आप झेल भी लेते हो, तीसरे दिन जिम करने आ भी जाते हो। जब आपको फीवर आता है, फीवर में बॉडी पूरा गर्म हो जाता है, कमजोरी आती है, बेड पे लेटे रहते हो, डॉक्टर कहता है दवाई खा ले, 3 दिन तक ये दिक्कत रहेगी, घबराना मत। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट जो आप वीडियो और लग्जरी देख करके आए हो, अमीरी वॉरेन बफे और झुंझुनवाला को देख करके आए हो, किसी ने आपको ये तो बताया नहीं, क्योंकि भैया इधर आए हो तो इधर एडवर्स सिचुएशन भी देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, डाउनफॉल भी तुम्हारा 10 लाख का 7 लाख बनेगा, और उस वक्त टिके रहे तभी तुम खिलाड़ी बनोगे, ये तो किसी ने बताया नहीं। स्टॉक मार्केट तो ऊपर ही जाता है, ये सब सुना हमने, स्टॉक मार्केट से लोग अमीर बनते हैं तो सुना हमने, लेकिन ये गिरता भी। अच्छा, करेक्शन वर्ड सुना है? स्टॉक मार्केट में जब शेयर प्राइस नीचे आता है ना, उसको करेक्शन कहते हैं। करेक्शन क्यों कहते हैं सर? वो औकात पे आ रहा है जब नीचे जा रहा है। सर, शेयर मार्केट में और आदमी की जिंदगी में एक चीज तो कॉमन है, जब तक इंसान और शेयर मार्केट गिरेगा नहीं, वो मजबूत नहीं होगा, और जब तक मजबूत नहीं होगा वो और तेजी से ऊपर नहीं जाएगा। तो मजबूती तो तभी है जब आप गिरोगे, औकात तो डेवलप तभी होती है जब आप गिरते हो। ऐसे शेयर प्राइस जब गिरता है तभी अपनी औकात का पता चलता है उसका, उस वक्त जो टिका रह गया वो खिलाड़ी है। परसेप्शन बेस्ड इन्वेस्टमेंट, लोगों का परसेप्शन ऐसे ही तो बनता है। किसी ने बोला स्टॉक मार्केट बेकार है, अच्छा उसका जो 3 लाख रुपए लॉस हुआ था ना उस टाइम पे अमित का, अब पता नहीं कितने लोगों को उसने बिलीफ बना दिया है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, बेकार है, अब इतने सारे लोग स्टॉक मार्केट में कभी घुसेंगे नहीं उसकी वजह से। परसेप्शन, पता चले लखनऊ वाले चाचा का लड़का बैंक पीओ है और उसने बोल रखा, अरे कहाँ हिसाब में पड़े हुए, एफडी करो बहुत बढ़िया, हम देखो पीओ है पढ़े लिखे, एफडी से बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब उससे जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे सबका परसेप्शन बन जाएगा कि एफडी बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। पता चले एक वो दूसरे चाचा का लड़का है, वो पोस्ट ऑफिस में जॉब करता है, उसने बोला पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। उससे जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे उनका परसेप्शन बन जाएगा पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट बढ़िया है। सर, रियलिटी तो किसी को पता ही नहीं चली कि रियलिटी क्या है, सबका इन्वेस्टमेंट परसेप्शन बेस्ड है। अभी एक वेब सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पर, अफवाह, देखना परसेप्शन कैसे क्रिएट करवाया जाता है लोगों का। अभी वो ज्योति मौर्या वाला केस, 2000 से ज्यादा महिलाओं को बुला लिया गया, उनके पतियों ने बुला लिया, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, ये इंपैक्ट हुआ है। रियलिटी किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम आप तो वही जानते हैं जो दिखाया गया ना, और दिखाया गया ना उसमें कितनी सच्चाई है क्या पता? क्या पता? ये जो गलत परसेप्शन डेवलप हो रहा है ना, आपको नहीं लगता कि इसका मेन कारण संगति है? हाँ, संगति चाहे किसी के भी, फूफा के लड़के की संगति, चाचा के लड़के की संगति, या अमित जैसे लोगों की संगति, किसी की भी संगति हो सकती है। गलत परसेप्शन बनाने में संगति तो खेला है, और ये संगति कितना इंपॉर्टेंट है जरा आपको बताता हूँ। एक अर्थशास्त्री है भास्कर मजुमदार, उन्होंने कहा है कि 2 भाई के कद काठी में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उनकी इनकम में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। क्यों कहा उन्होंने, ध्यान से समझिए। आपको मैं कहूं कि 2 भाई ढूंढ के दिखाओ, पूरे शहर में ढूंढ लो, जो इसमें से एक भाई एकदम बहुत गरीब हो, दूसरा भाई बहुत अमीर हो, और दोनों भाई साथ रहते हो, नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, या होगा तो बहुत रेयर होगा। कारण क्या है, ये जो फाइनेंशियल एबिलिटी होती है ना, ये जो पैसे का ताकत होता है, ये स्कूल कॉलेज के एजुकेशन से नहीं आता। ऐसा होता तो उस स्कूल में पढ़ने वाले सारे अमीर होते या सारे गरीब होते। ये अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है, ये माता पिता के एजुकेशन, माता पिता ने किस तरीके से बच्चे को डेवलप किया है उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा अमीर बनेगा या गरीब। यही देखो ना, अमीरों के बच्चे अमीर ही होते हैं, गरीबों के बच्चे गरीब ही होते हैं, नहीं? यही तो देखते हैं हम सोसाइटी में। खेल संगति का है सर। दुर्योधन जिस वंश में पैदा हुआ था ना, उस वंश से ऊपर जाकर के देखो, सारे के सारे योद्धा थे, सारे के सारे वो लोग थे जो समाज के हित के लिए काम करते थे। दुर्योधन इतना हरामी कैसे पैदा हो गया, कभी सोचा ही है? सर, दुर्योधन बचपन से हरामखोर नहीं था, उसका नाम सुयोधन था, वो बदमाश बनाया गया संगति की वजह से, शकुनी की संगति की वजह से। क्यों? क्योंकि शकुनी का इंटेंशन था हस्तिनापुर को मुझे बर्बाद करना है, तो दुर्योधन को उसने मोहरा बनाया, दुर्योधन के बुद्धि को उसने घुमा दिया पूरा। और संगति का एक और एग्जांपल देता हूं आपको।
सर कहते हैं कि अगर दुश्मन समझदार हो ना, होशियार हो ना, तो दुश्मन से भी सीखने को मिलता है, लेकिन दोस्त अगर बेवकूफ हो तो भैया दोस्त ही बेड़ा गर्क करवा देता है। दुश्मन बड़ा, दुर्योधन बड़ा खुशकिस्मत था कि उसके दोस्त में कर्ण आया। कर्ण कौन था मालूम? कर्ण का परिचय आप शायद जानते नहीं है ढंग से। हाँ मानता हूं देखा होगा सीरियल वीरियल, लेकिन ढंग से परिचय बताता हूं कर्ण कौन था। सर कर्ण वो था, जब द्रोणाचार्य की शिक्षा पूरी हुई थी ना, तो उन्होंने कहा था कि तुम अब इस लायक हो चुके हो कि पूरी धरती का, धरती पर अगर तुमको कोई हरा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ महादेव हरा सकते हैं, और पूरी धरती पर किसी की औकात नहीं है तुमको हरा दे। वो था कर्ण। महाभारत युद्ध जब हो रहा था, जिस रथ पर अर्जुन बैठा था उस रथ के सारथी श्री कृष्ण, और उसी रथ पर अदृश्य रूप से हनुमान जी बजरंगबली। ध्यान से समझिए कृष्ण और हनुमान जी कौन है। श्री कृष्ण है विष्णु के अवतार और हनुमान जी हैं भगवान शिव के अवतार, यानी कि सृष्टि के दो सबसे पावरफुल। इनसे पावरफुल कौन? दुनिया में सृष्टि में जितनी चीजें हुई हैं ब्रह्मा जी को छोड़ के इन्हीं दोनों जीवों ने किया है, या तो विष्णु जी या शिव जी। अच्छा, ये दोनों ही के रूप एक रथ पर सवार हैं, और उस रथ पर कोई इंसान जब बाण चलाता है और उससे वो रथ दो कदम पीछे चला जाए, सोच के देखो वो इंसान कितना ताकतवर है। सृष्टि के दो सबसे पावरफुल भगवान जिस रथ पर हैं, उस रथ को दो कदम पीछे भेज देने वाला कितना ताकतवर होगा। सर एक अर्जुन क्या, 1,00,000 अर्जुन मिलकर के भी एक साथ लड़ते ना तो कर्ण को नहीं हरा सकते। वो था कर्ण, लेकिन एक मामूली से अर्जुन के बाण से मारा गया, मारा गया। संगति का असर, दुर्योधन की संगति का असर। मुझे नहीं लगता कि बुरी संगति से बर्बादी का इससे बेहतर एग्जाम्पल कुछ हो सकता है। अमीर बनना है ना, पैसा कमाना है ना, और संगत हो चिल्लड़ के, चोरों के, लफंगों के, कहां से अमीर बनोगे भाई? नहीं, नहीं बन सकते ना, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लीनियर थॉट और कंपाउंडिंग थॉट को समझो। आदमी लीनियर थॉट के पैटर्न पर सोचता है,